नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर, में हूँ आकाश। जी हाँ, आज हम बात करते हैं पूजा पाठ के बारे में। आज सोमवार का शुभ दिन है और सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। ये तो आप जानते ही हैं, हिंदू धर्म में देवों के देव भोलेनाथ को बहुत ज्यादा महत्व दी गई है। वहीं आपको ये भी बता दें, महादेव जिस पर अपनी कृपा बरसाते हैं उसका कल्याण कर देते हैं। आपने सुना होगा भोलेनाथ की लीलाओं के बारे में। भोलेनाथ ने अपने जीवन में तमाम तरह की लीलाओं से हमें रिझा कर रखा है। साथ ही आज भी लाखों करोड़ों की संख्या में भोलेनाथ के भक्त हिंदुस्तान में आपको नजर आएंगे। वहीं कुछ ऐसे खास मंदिर भी भोलेनाथ के हैं जहां भोले बाबा का तांडव भी देखने को मिलता है। लेकिन ये भी बता दें कि भोले बाबा अगर सच्चे मन से उनकी पूजा कर ली जाए तो वो मनचाहा वरदान भी देते हैं। आपको बता दें, सोमवार के दिन सबसे खास बात यह होती है कि हम भोलेनाथ का पूजा करते हैं, साथ ही भोलेनाथ का व्रत भी रखा जाता है। इस दिन को काफी ज्यादा शुभ शास्त्रों में भी माना गया है। लेकिन आज हम आपको ये स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे, आखिर आज के दिन यानी कि सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा में कौन कौन सी सामग्री का हमें उपयोग करना चाहिए जिससे भोलेनाथ और ज्यादा प्रसन्न हो सके। तो आइए आपको बताते हैं। आपको बता दें, भोलेनाथ की पूजा में बिल्व पत्र यानी कि बेल पत्थर के पत्तों का उपयोग करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। बिल्व पत्र भोले भंडारी को चढ़ाना 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान के फल के समान होता है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ के पूजन में अगर बेल पत्थर का प्रयोग किया जाता है, बेल पत्थर के 3 पत्तों का प्रयोग किया जाता है, तो भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं आपको बता दें, भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय होता है, इससे बहुत ज्यादा लाभ भोलेनाथ देते हैं। ये माना जाता है धतूरे का अगर फल भगवान भोलेनाथ को अमर्पित करते हैं तो इससे देवों के देव महादेव काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही आपको बता दें, भोलेनाथ को भांग भी बहुत ज्यादा पसंद होती है, ऐसा माना जाता है। जो भी भोलेनाथ की शिवलिंग पर भांग चढ़ाता है या भांग से उनका लेप करता है तो ऐसा करने से भोलेनाथ सोमवार के दिन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा फल देते हैं। वहीं आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ को कपूर की महक से बहुत ज्यादा प्यार है। ये भी इस बात का जिक्र शास्त्रों में होता है, ग्रंथों में होता है कि भोलेनाथ को कपूर की जो सुगंध है वो बहुत ज्यादा प्रिय है, जिसके चलते अगर आज के दिन यानी कि सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा में कपूर का प्रयोग करेंगे तो इससे आपकी पूजा सफल हो जाएगी और प्रभु आपको बहुत कुछ हासिल करा देंगे। वहीं आपको बता दें, रोजाना दूध से शिव का अभिषेक करने से मनचाहा फल मिलता है, ऐसा माना जाता है कि दूध या जल से अगर भगवान भोलेनाथ का सोमवार के दिन या फिर रोजाना आप अभिषेक करते हैं यानी कि उनको नहलाते हैं तो इससे भी भोलेनाथ काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा फल देते हैं। आपको बता दें, सबसे खास बात यह है कि चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो बिल्कुल भी टूटा ना हो, यानी कि साबुत चावल से अगर आप भोलेनाथ के पूजन में भोलेनाथ की पूजा करेंगे, उनका दीदार करेंगे तो ये काफी ज्यादा शुभ होता है और इससे भी भोलेनाथ मनचाहा फल देते हैं। चलो आपको एक और खास उपाय बताते हैं, यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान और यश आपका बढ़ता है, ऐसा माना जाता है। पूजा में, भोलेनाथ की पूजा में यदि चंदन की मात्रा अगर आप ले लेते हैं तो इससे आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और आपको तरक्की के रास्ते भी खुलते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको एक और खास उपाय बताते हैं कि भगवान शिव ने रुद्राक्ष की उत्पत्ति की थी। जी हाँ, जो रुद्राक्ष आप गले में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं कई बार, उस रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ के ही नेत्र के टपकने से, मतलब यानी कि नेत्र के आंसू के टपकने से उसके पेड़ की उत्पत्ति हुई थी, तो इसलिए भगवान भोलेनाथ का ही रूप माना जाता है रुद्राक्ष। और पूजा में अगर आप रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष धारण करते हैं तो इससे भी आपको जरूर लाभ होगा, भोलेनाथ आपको मनचाहा फल देंगे। तो दर्शकों, आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए और बने रहिए नेक्स्ट 9 भक्ति सागर के साथ। नमस्कार।